उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ठंडीपुरा इलाके में सन्नाटा पसरा है। दरअसल रविवार को यहां एक युवक आसिफ इकबाल की मौत हुई, जो सेना की गोली का शिकार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आसिफ इकबाल पेशे से एक ड्राइवर था, जो रविवार की सुबह एक यात्री को लेने घर से निकला, लेकिन रास्ते में सेना की गोली का निशाना बना और अस्पताल ले जाते समय आसिफ ने दम तोड़ दिया। इलाके में आसिफ इकबाल की मौत की खबर फैलते ही मातम छा गया और हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। तनाव की स्थिति के बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी शुरू हुई। आसिफ के परिजनों का आरोप है कि सेना ने उसे घात लगाकर निशाना बनाया, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने कहा, लोगों को आश्वस्त किया है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है और जल्द से जल्द दोषियों को सामने लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग गई वृशिंग बिस्तरस में मैं समझो कि शायद आकाशे पाश वसित शर गो यानी इस पर उम्र में इस फायरिंग से है बच खुद में बंद मन फायरिंग कर देगा आलोच गसा पति मन 1 मिनट गो बज 2 मिनट बाद गो ब्याक चले यानी इज जोर लास्ट पर तो फिकिंग नहीं फायरिंग गसा अन गस आवाज क्रिया गई गांव हजरा मगर अत वक्त आर्मी शर्मी ये मुझसे लिमिट डेड बॉडी तुझ बर गाड़ी में ये बड़ी सोपो सोपो ने गई मिसिंग डेथ पत्र कर अस कम अस दी कैम अत तो अस एक मैगजीन कंप्लीट फुल मैगजीन डेड बॉडी डेड बॉडी ना 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 बिकी जाए दोन जान करना बे खोक टीचा इन शुमा जन उस पाकिस्तान सॉरी आमद वतलित इमन से लड़ रहा फायरिंग की मुख आर्मी आर्मी ये कहूंगा बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है ये। इसकी हर आदमी जो अच्छे से रखने वाला उसकी मजम्मत करेगा। इसमें पूरी एक कमीशन हमारी एक इंक्वायरी एक हमने बैठा दी है, इसमें FIR रजिस्टर होगी और पूरी तहकीकात करेंगे हम कि किन सर्कमस्टेंसेस में फायर हुआ, किसने फायर किया, पूरी इसमें तय तक हम जाएंगे। और जिस जो भी कसूर लोगों के एलिगेशन ये है कि आर्मी पार्टी जो थी उसने वहाँ पर फायर किया, पूरी कानून से ऊपर कोई नहीं है, पूरी तय तक हम जाएंगे और जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई। मैंने पहले ही कहा है इसमें पूरी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और इसमें FIR रजिस्टर होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। जो भी कसूरवार पाया गया कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आर्मी वाला होगा या पुलिस वाला होगा, आम सिविलियन होगा, कानून सभी के लिए बराबर है और इन्वेस्टिगेशन हम तय तक जाएंगे और कसूरवार को।